ओके सर, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में ऑन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। नया बैच, न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू वे टू लर्न बेटर थिंग्स गाइस। सो लेट्स से कि आज अपन लोग एक नए पेपर का शुरुआत कर रहे हैं एंड लेट्स गिव आर बेस्ट टूवर्ड्स दिस। ये जो जोश है आप लोग का एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, एंश्योर की एंड तक रहे। मेरी तरफ से मैं 1% भी कमी नहीं आने दूंगा इन माई एनर्जी, इन माई टीचिंग वे। क्या बोलता है पब्लिक? डन। सो यहाँ पे मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं, प्रॉबेबली स्टूडेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीबॉडी इज हियर फ्रॉम वेरियस सिटीज। मतलब अगर मैं सिटीज का नाम लू तो शायद आज का पूरा मेरा लेक्चर ही उसी में निकल जाए, तो इसके लिए आई विल अवॉइड दैट एंड आई विल स्टार्ट विद द सेशन। ऑलराइट गाइस, चलो सो लेट द गेम बिगिन। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड फिर यहां से अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस, माई सेल्फ सीए संकल्प कांस्टिया बाय प्रोफेशन, आई एम ओके हिमाचल भी है, बहुत बढ़िया। By profession, I am a chartered accountant and company secretary. And जैसे ही मैंने अपना chartered accountancy complete किया, I joined JP Morgan, world's biggest financial services company. वहां पे asset management team में था मैं, जहां पे financial services and management accounting. So financial services related to SFM, management accounting related to SCMP, ये दोनों काम मैंने practically किया है और यही दोनों subjects अब मैं पढ़ाता भी हूँ practically. Alright guys, so ये मेरा एक background रहा है। Obviously JP Morgan में entry मिलना इतना easy नहीं था, but thankfully it worked and 4 साल मैंने वहां पे काम किया। एंड 4 साल काम करने के बाद जो मेरा रियल पैशन था, विच इज टीचिंग, दैट इज वॉट आई टुक फॉरवर्ड विद। सो आप लोग को काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं बताऊंगा जब मैं SCMP पढ़ा रहा हूं, कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड में कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। एंड आज का अगर आप लोग पेपर्स देखोगे ना इंस्टीट्यूट का, तो उसमें केस स्टडी ओरिएंटेड पेपर्स आ रहा है और कहीं ना कहीं वही प्रैक्टिकल मार्केट की चीजें, मैनेजमेंट की चीजें इंस्टीट्यूट को चाहिए। कैसे बहुत सारे कंपनीज क्या SCMP स्ट्रेटेजिक कॉस्ट को कैसे यूज करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, वो सब चीजें आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो दैट वो जो इस सब्जेक्ट का फियर है, विच इज थियोरी, जब आप उसको एग्जाम्पल से लिंक करके पढ़ोगे ना, वो थियोरी भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, वो थियोरी भी आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेगी। ठीक है, पब्लिक क्या करता है, थियोरी को रट्टा मारने जाता है। एट सीए फाइनल लेवल कोई भी चीज आप रट्टा मारने जाओगे ना, आप उसको नहीं कर पाओगे। बट वही थियोरी को अगर आप प्रैक्टिकली समझ लोगे, आपको लगता है कि ये कोई भी थियोरी जो इंस्टीट्यूट ने डाला है वो प्रैक्टिकली हुआ नहीं होगा? ऑब्वियसली नॉट, प्रैक्टिकली तो कोई चीज हो रही है, उसी का थियोरी बन रहा है, राइट? सो एक एग्जाम्पल लेता हूं, जस्ट इन टाइम, ठीक है, सुना होगा आप लोग ने ये वर्ड। तो जस्ट इन टाइम जापान में प्रैक्टिकली हुआ, तब भी तो यहाँ पे आप लोग के सिलेबस में ऐसा थियोरी आया, तो जस्ट इन टाइम प्रैक्टिकली क्या होता था, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑटोमेटिकली आपको जस्ट इन टाइम का थियोरी यहां पे याद रहेगा। पब्लिक सीधा जस्ट इन टाइम को लर्न करने में लग जाता है, डिजास्टर, नहीं याद रहेगा आपको, कितना रट्टा मारोगे यार, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना सारा थियोरी है, नॉट पॉसिबल। बट क्या आपको एग्जाम्पल्स याद रहेगा? जिंदगी भर याद रहेगा, राइट? कोई भी मूवी है वो भूलते हो आप? नहीं। क्यों? क्योंकि पिक्टोरली आपके सामने है वो चीज। And that is how we are going to approach this subject. बहुत मजा आएगा and at the same time काफी knowledge upgradation होगा जो शायद आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। Yes, I said it, जिंदगी भर काम आने वाला है। So I hope we guys are ready for that thing as well. Alright guys, चलो so on that note start करते हैं। So जैसा मैंने बोला कि JP Morgan में मैंने काम किया था, सो आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। सो मैंने मेरा कॉलेज नरसिंह मोंजी कॉलेज करके NM कॉलेज बॉम्बे में, वहां से किया, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हियर, एंड दैट इज व्हाट लेड टू मी डूइंग CA। सो मेरे को CA करने का काफी टाइम से पहले से ही पैशन था एंड देन मैंने ऑब्वियसली बाय 21 आई वॉज अ CA, देन फिर इमीडिएटली जेपी में जॉब लग गया। वो टाइम पे जब मेरा जॉब लगा ना, तो मेरा इंटरव्यूज वर क्रैकिंग, मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा था मेरे को इंटरव्यूज में कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगा, बट थैंकफुली आई वाज सिलेक्टेड।
और यू नो द जर्नी जो भी था वो मैं तुम लोग के साथ शेयर करते रहूंगा। ठीक है चल, कुछ चीजें जनरल चीजें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। करेक्ट करेक्ट, 6 इंटरव्यू के राउंड्स हुए थे, सो यूट्यूब पे भी मैंने डाला है, यू कैन वॉच दैट आउट। नाउ लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। मेरा तो इंट्रोडक्शन आप लोग को मिल गया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट को मैं जिस दिन से SCMP आया, सो मई 2018 में इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम ये टॉप लेवल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो मई 2018 से लेकर अब तक मैंने ऑलमोस्ट हर बैच में पढ़ाया, हर अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट को पढ़ाया, सो काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। मतलब प्रॉबेबली अगर आप मुझे पूछोगे सर कौन से पेज पे कौन से लाइन पे कौन सा पॉइंट है, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, इतना ग्रिप आ गया है। और मैं चाहता हूं वो ग्रिप आप लोग के ऊपर भी मैं पॉजिटिवली थ्रो अप करूं, सो दैट यू ऑल्सो बिकम दैट कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट। मतलब आप सोचो ना, मई 18 से लेकर अब तक कितने अटेम्प्ट हो गए हैं, मोर देन 10 to 12 अटेम्प्ट, एंड हर अटेम्प्ट को मैंने बहुत बारीकी से क्लोजली देखा है। वो सारे जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू नो, मैं प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट आपको बता दूंगा कि ये वाले अटेम्प्ट में क्या क्या चीजें आने वाली है, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होने वाला है डिसिप्लिन। ठीक है, जोश जोश में स्टार्ट सब लोग करते हैं, बट जो एंड तक मेरे साथ डिसिप्लिन रहेगा, जैसा जैसा मैं बोलू वैसा वैसा अगर आप करते गए, देन इन दैट केस आई टेक दिस श्योरिटी दैट यू विल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, जो अदरवाइज स्टूडेंट के लिए एक नाइटमेयर होता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डर सब्जेक्ट बनेगा, इसकी अश्योरिटी मेरी है, ये मैं आप लोग को बोल सकता हूं। दूसरा, जब हम लोग ने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था, तो हमारे गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैंने पूछा कि जनरल क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने इनको पूछा कि यार क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं क्या बेसिस पे ये सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द बेसिक्स, अज्यूमिंग कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट। दूसरा, एक एक वर्ड जो भी आपके मॉड्यूल में है, आरटीपी में है, पास्ट पेपर्स में, हर एक चीज मैं आप लोग की इस सब्जेक्ट की कवर करवाने वाला हूं। ये दोनों चीज फॉर श्योर करवाऊंगा। देखो इंस्टीट्यूट है ना, याद रखना, उसी चीज के ऊपर टेस्ट करेगा जो उसको पता है बच्चा ऑप्शन में छोड़ के आएगा, वो नुक्स एंड कॉर्नर्स को भी अपने को कवर करना है। यस, तो ये आपका जो बुक्स का कंटेंट है वो मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, ये सारी बातें आप लोग के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करते जाऊंगा, एंड उससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस, कंटेंट वाइज, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, अगर अपन लोग ने इतना कर डाला, देन इन दैट केस लाइफ झिंगा लाला, मतलब इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस, एंड उस हिसाब से अगर अपन लोग अप्रोच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन लोग इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, और इसको थोड़ा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, सो SCMP एज अ होल सब्जेक्ट को कैसे इंस्टीट्यूट ने डिराइव बोलते हैं ना वर्कआउट किया है, वो मैं तुम लोग को बताता हूं। आओ, सो SCMP को ICAI ने डिवाइड किया है तीन पार्ट में इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं थ्योरी वाला ओरिएंटेड चैप्टर्स, ठीक है, दूसरा पार्ट जिसको मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स, और तीसरा पार्ट जिसको मैं बोलूंगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर्स। जी हाँ, सो कुछ चैप्टर्स है जो हार्डकोर थ्योरी, मतलब इसमें प्रैक्टिकल ना कुछ आया है ना कुछ आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में कुछ ऐसा डाला ही नहीं है। सर कौन से है ये चैप्टर, तो ये है आपका एक चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। प्लीज कुछ मत लिखना, खाली मेरे पे ध्यान दो और कुछ भी नहीं करना है। ये दो चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर्स है आपके, ये दो चैप्टर आर हार्ड कोर थ्योरी चैप्टर्स, मतलब एक वर्ड भी इसमें प्रैक्टिकल का नहीं है। कुछ चैप्टर्स है जो प्रैक्टिकल है, नहीं कुछ भी नोटिंग मत करना जब तक मैं बोलू, अभी एवरीबॉडी लुक इनटू माय आईज, खाली मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी के ऊपर फोकस करो, लिखने का मैं टाइम दूंगा
प्लस ये जो नोट्स है वो एवरीडे बेसिस पे आप लोग के गूगल ड्राइव पे भी अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से भी आप लोग एनी टाइम एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं, फोकस पे हूं, तो प्लीज खाली मेरे पे ध्यान दो, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ, ठीक है? सो ये चीज प्लीज स्टार्टिंग से ही कर लो तो आई थिंक बेटर रहेगा, राइट? चलो फिर बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हार्डकोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, जैसे कि है एक चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, मतलब हार्ड कोर प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि इसमें से थियोरी नहीं आता है, बट मेजरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, थोड़ा बहुत थियोरी भी आ सकता है। फिर बाद में एक चैप्टर है, हाँ फिर बाद में चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हा, ठीक है? फिर बाद में है चैप्टर नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ चैप्टर्स है जो हार्डकोर क्या है, करेक्ट, ये सारे के सारे, ये तीनों चैप्टर है हार्डकोर प्रैक्टिकल। तो मतलब बहुत सारे सम्स इसमें आपको करने को मिलेंगे। और एक भी चैप्टर है, वो भी मैं इधर लिख लेता हूं, उसका भी मेंशन कर लेता हूं, चैप्टर नंबर 9, एंड विच इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। यस, ठीक है? सो आप लोगों को यस बुक्स बुक्स बनानी है, वो सब क्या करना है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, डोंट वरी। सो पहले ये हार्डकोर थ्योरी चैप्टर्स हो गए, फिर बाद में ये आ गए मेरे हार्डकोर प्रैक्टिकल टॉपिक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तो कितने हो गए टोटल, 2 और 4 6, बचे कितने चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है इनमें। यस, ठीक है? एंड इंस्टीट्यूट उसको ट्रीट भी वैसे ही करता है। सो कौन से, ये मेरे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, सो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं यहां पे, ठीक है? यस, ये है आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल टॉपिक्स, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल कौन से है ये वाले टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, थ्योरी भी दिखेगा प्रैक्टिकल भी दिखेगा आपको। चैप्टर नंबर 3, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, थ्योरी भी दिखेगा प्रैक्टिकल भी दिखेगा। चैप्टर नंबर 4, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है? फिर चैप्टर नंबर 5 आ गया है, फिर आता है चैप्टर नंबर 6, प्राइसिंग पॉलिसी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, आप लोग के पास बुक है, बुक में इंडेक्स होगा, उसमें आपको ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी, डोंट वरी। सो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 8 9 10 11, ऑलराइट गाइस? सो ये 11 चैप्टर्स है, एंड दिस इज हाउ द होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो आप लोग जो बोलते हो ना, अरे फुल थ्योरी है, फुल थ्योरी है, नहीं, फुल थ्योरी तो खाली 2 ही टॉपिक है, बाकी सारे तो है ना प्रैक्टिकली ओरिएंटेड थ्योरी पॉइंट्स है। मतलब अगर आप उनको प्रैक्टिकली समझोगे और फिर उनका थ्योरी में कन्वर्ट करके जब आंसर लिखोगे ना, आपको चीजें इजी लगेगी। बट दिस इज वेयर द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, एंड वो उसको इतना ज्यादा अननेसेसरी थ्योरी थ्योरी कर लेते हैं कि उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट डे से, जिस दिन ये सब्जेक्ट आया था उस दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, एंड लेट मी टेल यू दैट दीज आर द चैप्टर बाइफरकेशन ओवरऑल। चलो ठीक है, क्लियर हो गया सब लोग को? सो टोटल कितने चैप्टर्स है अपने पास, 11 चैप्टर्स, ठीक है? सो टोटल 11 चैप्टर्स है, जिसमें डिवीजन इंस्टीट्यूट ने कैसे किया है, कुछ चैप्टर्स हार्डकोर थ्योरी चैप्टर 1, चैप्टर 11, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हार्डकोर प्रैक्टिकल। अब ये थ्योरी है ना, इसका मतलब 90% इसमें थ्योरी है, 10% का प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें 90% प्रैक्टिकल ही आएगा, बट 10% थोड़ा थ्योरी रहेगा। और जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है वो ऑलमोस्ट 60-40 है, मतलब 60% थ्योरी, 40% प्रैक्टिकल। समझ में आया तुम लोगों को कैसे ये वर्कआउट हो रहा है एवरीबॉडी? गाइस, यस और नो? राइट, सो दिस इज हाउ द होल सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन टू, थ्योरी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, चैप्टर नंबर 1, 11। और अच्छा, अब दूसरा चीज,
मैंने ये जितने भी चैप्टर्स हैं सब ICAI के हिसाब से ही इनका नंबरिंग रखा है। तो अगर आप अपना बुक कभी खोलोगे देन इन दैट केस आपको दिखेगा कि ये सारा का सारा ICAI के हिसाब से ही मैंने ये पूरा का पूरा नंबरिंग्स और वर्किंग रखा है। सो आप लोगों को उस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले एक चैप्टर हुआ करता था कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, फिर इंस्टीट्यूट ने वो पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया। जी हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर ही इंस्टीट्यूट ने वो डिलीट कर दिया। तो उसकी वजह से थोड़ा नंबरिंग एक नंबरिंग ऊपर नीचे हुआ था, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज एज पर ICAI ओनली। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंस्टीट्यूट का एक पेपर एनालिसिस मैंने किया है। ये देखो, ये आप लोग देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो, चैप्टर नंबर 1 से मई 18 से लेकर अभी तक, इनफैक्ट नवंबर 22, मई 23 का भी मेरे पास एनालिसिस है, वो भी आप लोगों को दे दूंगा, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आया है, ये एक एक चीज मैंने यहां पे आप लोग के लिए रेडी रखा है। क्या आप लोग पेपर एनालिसिस करते हो? सच्ची सच्ची बोलो, यस और नो, कि भाई ये चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया है, ये चैप्टर में से कितने मार्क्स का आया है, ऐसा आप लोग एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले? करेक्ट, वो पेपर एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आप लोग को यहां पे करके दिया है। सर ये हमारे को कहां मिलेगा? तो मैं आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये शेयर कर दूंगा, एंड दैट इज वॉट इज रेडीली अवेलेबल फॉर यू। आप लोग को खाली ये PDF देखना है एंड आपका काम हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये एनालिसिस। सो आई थिंक दिस विल बी दिस, यस ठीक है। सो सीधा करो, अभी यार ये इतना सारा एनालिसिस है ना कि वो सीधा करेंगे तो आएगा नहीं एक उसमें, तो इसके लिए ऐसे किया है, बट तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर लूंगा तो तुम लोग का आइडिया आ जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ इसको मैं स्ट्रेट करने का, वो नहीं आएगा, वो उसमें कट जाएगा क्योंकि इतना सारा एनालिसिस है ना इसके लिए। ठीक है, ये देखो मेरा वायरिंग हिल गया। चलो, सो दैट्स हाउ इट वर्क। सो चैप्टर नंबर 1 का अगर आप लोग देखते हो तो ज्यादा वेटेज नहीं है चैप्टर नंबर 1 का। चलो, सो चैप्टर नंबर 1 का अगर आप लोग देखते हो तो ज्यादा वेटेज नहीं है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये देखो चैप्टर नंबर 5 तो मैंने आप लोगों को बोला इंस्टीट्यूट ने उसको डिलीट ही कर दिया, तो इसको मैं बाहर ही रखता हूं। फिर बाद में बाकी सारे चैप्टर्स अगर आप देखते हो, ऑल ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ोगे क्या? कभी गलती से भी मत सोचना, मैं आपको बताऊं क्यों। ये देखो चैप्टर नंबर 2 को अगर आप देखते हो ना, ये देखो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 को जरा देखो तो, जैन 21 20 मार्क्स, जुलाई 21 20 मार्क्स, दिसंबर 21 20 मार्क्स। सो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है बॉस। चैप्टर नंबर 3 को जरा देखो तो, नवंबर 19 सीधा 30 मार्क्स, मतलब आपका 120 मार्क्स का पेपर होने वाला है विद ऑप्शन, उसमें से 1/4 पेपर, 25% पेपर खाली चैप्टर 3 का है बॉस, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट ICAI। फिर बाद में चैप्टर नंबर 4 को देखो तो जरा, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं दिखेगा जब चैप्टर नंबर 4 के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा है, और कुछ कुछ चैप्टर, कुछ कुछ अटेम्प्ट में देखो 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, 17 मार्क्स, 40 मार्क्स। यस, नवंबर 2018 में ICAI ने चैप्टर नंबर 4 के ऊपर 40 मार्क्स का पूछा है, वुड यू बिलीव इट? सो बॉस हर एक चैप्टर जरूरी है। चैप्टर नंबर 6 30 मार्क्स। सो इंस्टीट्यूट का पैटर्न आपको बताऊं, कोई भी चैप्टर उठाएगी और कोई भी अटेम्प्ट में उसमें लॉटरी निकालेगी। अब आपने वो चैप्टर अगर ऑप्शन में छोड़ा होगा देन इन दैट केस क्या हो सकता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर आ जाओ, चैप्टर 6 देखा। अब चैप्टर नंबर 7 रिलेटिवली छोटा चैप्टर है तो पब्लिक उसको इग्नोर करता है। जिसने भी उसको इग्नोर किया मई 2019 में, चैप्टर नंबर 7 या जिसको प्राइसिंग पॉलिसी बोलते हैं, कितने मार्क्स का आया? 40 मार्क्स का। प्राइसिंग पॉलिसी करके चैप्टर है, इट वॉज आस्क्ड फॉर 40 मार्क्स, बराबर है। अब उसके पहले दो अटेम्प्ट में किसी ने देखा रहेगा तो बोलेगा अरे ये तो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट ने पूछा ही नहीं है, या 10 मार्क के लिए पूछा है, इमीडिएटली सीधा 40 मार्क के लिए पूछ लिया। अब बताओ, सो दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। चैप्टर नंबर 8, अब ये देखो बैक टू बैक अटेम्प्ट्स, इसके बाद वाला चैप्टर, बैक टू बैक अटेम्प्ट्स में 38 मार्क्स, 40 मार्क्स, समझ रहे तुम लोग? सो इसके लिए ये एनालिसिस मैंने आप लोगों को करके बताया, सो दैट आप लोग चौकन्ना रह जाओ
एक भी चैप्टर ऑप्शन में ना छोड़ो। अभी मैं एक चीज के ऊपर आ रहा हूं जिसमें नवंबर 22 वालों की इंस्टीट्यूट ने जो मजाक उड़ाई है, मतलब बता नहीं सकता, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, डोंट वरी। देखो अभी सो आईसीआई कभी भी शॉक दे देता है। हाउ कैन वी बी प्रिपेयर्ड फॉर इट? बाय डूइंग एवरीथिंग एवरी चैप्टर रिलीजियसली, मतलब हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देना है, बिकॉज अपने को पता ही नहीं है कौन से चैप्टर में से 40 मार्क्स का कब आ जाएगा। ये देखो ना, ये वाला चैप्टर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, 38 मार्क्स। अब जिस अटेम्प्ट में 38 मार्क्स आया उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में पब्लिक को लगा अब यह ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, ऑलरेडी 38 मार्क्स का गया, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 40 मार्क्स का पूछ रहा है इंस्टीट्यूट ने। समझ रहे हो? सो ऐसा सीन है। फिर बाद में ये देखो, उसके बाद वाला चैप्टर कंसिस्टेंटली 10-20 मार्क्स, कंसिस्टेंटली। अब कोई चैप्टर कंसिस्टेंटली 10-20 मार्क्स आ रहा है, क्या आप उसको कभी ऑप्शन में छोड़ने का सोचोगे? कभी नहीं। मतलब ये जो चैप्टर है कंसिस्टेंटली 10-20 मार्क्स फिक्स है इसका, आपको भी बताया बॉस, मिनिमम 10 मार्क्स 20 मार्क्स तक का आ ही सकता है। फिर बाद में उसके बाद वाला भी अगेन यही है। ये देखो, अब देखो इसके बाद वाला चैप्टर देखो, ठीक है, ये चैप्टर का एक एनालिसिस देखना। अटेम्प्ट, दिस अटेम्प्ट, नो मार्क्स, इंस्टीट्यूट का मजाक देखो। उसके बाद मे 22 सीधा 25 मार्क्स, वाह भाई वाह। अब चार अटेम्प्ट में एक भी मार्क का नहीं आया तो आपका ट्रेंड एनालिसिस क्या बोलेगा? अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, 25 मार्क्स का आ गया। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम वर्क्स गाइस। बेसिकली यही कहना चाह रहा हूं, सिलेक्टिव चैप्टर वाइज या चैप्टर के अंदर भी कुछ सिलेक्टिव पढ़ोगे दैट विल नेवर एवर वर्क, एवरीथिंग हैज टू बी डन सिस्टमैटिकली परफेक्टली, ठीक है। सेम चीज यहां पे चैप्टर 11 है, 12 है, ये देखो अभी ये अटेम्प्ट देखो, ये चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा, उसके बाद 5 मार्क का पूछा, कौन एक्सपेक्ट करेगा उसके बाद सीधा 35 मार्क्स का पूछ लेगा इंस्टीट्यूट? नवंबर 22 में बजटरी कंट्रोल के साथ यही हुआ, पब्लिक को लगा छोड़ना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो फुल थियरी है और छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के जाता है, जाओ छोड़ के इंस्टीट्यूट आपसे ना अटेम्प्ट छुड़वा देगा, ऐसा इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो? सो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये एनालिसिस कोई नहीं देने वाला है आपको, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं फर्स्ट डे पे, सो दैट यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि हर एक चैप्टर जरूरी है और हर एक चैप्टर में हर एक चीज जरूरी है। फिर बाद में आ जाता है लास्ट चैप्टर विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। भाई साहब कंसिस्टेंटली देख रहे हो, क्या एक भी अटेम्प्ट है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा? देखो जरा देखो, हाँ क्या एक भी अटेम्प्ट है जब इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं पूछा? एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है, फिर भी 40% जनता स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ऑप्शन में छोड़ के जाता है और फिर बोलता है ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। आप बताओ कहां से, मतलब आप कोई चीज कर ही नहीं रहे हो और फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा और एक्सपेक्टेड भी है और फिर आप बोल रहे हो यार पेपर डिफिकल्ट आता है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। अरे यार तुम्हारा प्रेपरेशन इन अप्रोप्रिएट है, क्यों इंस्टीट्यूट को या सब्जेक्ट को ब्लेम दे रहे हो यार? सब्जेक्ट बेचारा इतना अच्छा है, समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? करेक्ट। सो आई होप आप लोग को नेटशेल में ये चीज पता चल गई होगी कि हर एक फ्रेंड, हर एक चैप्टर जरूरी होता है इन दिस सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो चैप्टर थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपन लोग उसको बराबर से करेंगे। आंखें खुल गई, थैंक यू सो मच स्मृति जी, अच्छा लगा आपकी आंखें खुल गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो चैप्टर नंबर 1 में अभी तक ज्यादा इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, अब पब्लिक इसको ऑप्शन में छोड़ के जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एग्जैक्टली कब कहां पे क्या शॉकर आने वाला है आपने को नहीं पता है, अपने को अपनी तरफ से पूरा प्रेपरेशन करना है बॉस। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये आप लोग का कहीं पे प्रिंट लेके ना चिपका देना ताकि कभी ऐसा मन करे ना ये ऑप्शन में छोड़ देता हूं तो आप लोग को एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। वैसा चल एनीवेज, ठीक है। सो दैट्स हाउ द होल सिस्टम इज, ये बेसिकली मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कई नवंबर 22 के स्टूडेंट ने, आप पूछना उनको, उन्होंने ये चैप्टर को ऑप्शन में ही छोड़ा था। बजटरी कंट्रोल ना जब अपन करेंगे तो बताऊंगा, थ्योरी है एक तो हार्डकोर और छोटा सा चैप्टर है, 15-20 पेज का चैप्टर है, फटाफट हो भी जाएगा, बट लास्ट कुछ अटेम्प्ट से आया नहीं था तो पब्लिक को लग रहा था नहीं आएगा, सीधा नवंबर 22 में 35 मार्क्स का पूछ लिया बजटरी कंट्रोल, 35 मार्क्स का, और उसके साथ
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक डर के ऑप्शन में छोड़ देता है, उसमें से 20 मार्क्स का पूछ लिया। सो 55 टू 60 मार्क्स ऐसा जो सिंपल है बट आपने किया ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बाय डिफॉल्ट आप ऑप्शन में छोड़ देते हो। अब ये बजटरी और स्टैंडर्ड को आपने ऑप्शन में छोड़ दिया अगर नवंबर 22 में, तो आपका तो 55 मार्क्स गया। कॉन्फिडेंस की धजिया उड़ जाएगी जब आप पेपर लिख रहे हो, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट गेट वुड मार्क्स। बाहर निकल के पब्लिक बोलेगा यार ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, यार इसका पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। भाई पेपर डिफिकल्ट या सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आपका प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। तो ये चीज जब आप समझना चालू कर दो ना, तब आपका गेम बदलना चालू हो जाएगा। जिसने ये चैप्टर किया, जैसा मैंने बोला मानसी अग्रवाल यार 376 मार्क्स, उसका मेरा इंटरव्यू देखना, शी हैज डन ऑप्टिमाइज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं मैजिक बुक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स, एंड AIR 3 आया मैडम को, ठीक है ना, उसका इंटरव्यू सुनना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। कि CA फाउंडेशन CA इंटर में कोई रैंक नहीं, CA फाइनल में सीधा AIR 3, एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसकी वजह से वो उधर पहुंच पाई वॉज दिस सब्जेक्ट SCMP। उसने मेरा फास्ट ट्रैक बैच भी किया है, उसने मेरा रेगुलर बैच भी किया है, बाय डिफॉल्ट उसने मेरे सारे रिविजन लेक्चर्स भी देखे, एंड इट वर्क वंडर्स फॉर हर। प्लीज आप लोग भी उसी चीज को, उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है ना, आप लोग भी ये सब चीजें फॉलो करना, एंड आई एम श्योर अगले बैच में मैं आप लोग का नाम ले रहा हूं। यस रूपम, इनफैक्ट मे 23 का तो पूरा पेपर ही मैं आप लोग को चैप्टर के साथ साथ करवा दूंगा, तो आप लोगों को लगे अरे वाह ये तो अभी आया था, ये तो हम लोग को आता है। अब मैं आप लोग को एक और चीज बोलता हूं, मेरी बुक करने के बाद आप लोग ये पास्ट पेपर कोई भी उठा लेना और सॉल्व कर लेना, यू विल रियलाइज दैट यस एवरीथिंग इज कवर्ड। जस्ट कहीं ना कहीं अपने को अपने प्रेपरेशन का लेवल को थोड़ा बढ़ाना है, एंड चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो? मेरे को एवरीबॉडी सब लोग का आंसर चाहिए। क्या आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हो? यस सर, हम अपने प्रेपरेशन के लेवल को बढ़ा देंगे, हम चैलेंजिंग वे में पढ़ेंगे, फिर इंस्टीट्यूट को आने दो कोई भी चीज लेकर, फिर हमने को कोई डर नहीं है। आप चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ के जाओगे और ब्लेम डालोगे इंस्टीट्यूट या सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये तो कैसे चलेगा दीदी, नहीं चलेगा ना। सो आप प्लीज मेरे को उधर लिख के बताओ दैट यस सर वी आर रेडी टू, बोलते ना हम हमारे प्रेपरेशन लेवल को बढ़ाने के लिए तैयार है, एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। चलो सो अब इसी बात के ऊपर, एक्सेप्टेड दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इसी बात के ऊपर अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न। सो ICAI पेपर पैटर्न इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न देखोगे ना, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। SCMPE का भी पेपर पैटर्न सिमिलर ही होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 20 मार्क्स एंड इट विल बी अ कंपल्सरी क्वेश्चन। ये कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू केस स्टडी। किससे रिलेटेड आएगा? केस स्टडी एवरीबॉडी। यस, मेरा बुक अब तक का जितना भी एग्जाम्स हुआ है तब तक अपडेटेड है, जितना भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस अभी तक पूछा है सब इसमें अपडेटेड है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इंस्टीट्यूट का बाय डिफॉल्ट आता है केस स्टडी का क्वेश्चन। अब केस स्टडी देख के आपको डर लगेगा, बट मैं आपको बताता हूं केस स्टडी बनता कहां से पता है? थ्योरी उठाओ, प्रैक्टिकल उठाओ, और इस थ्योरी प्रैक्टिकल में 2-3 चैप्टर को मिक्स कर दो, बन गया आपका केस स्टडी। तो अगर आपका थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो क्या आपको केस स्टडी करने में तकलीफ होगा क्या? एब्सोल्युटली नो। बट अगर आपने थ्योरी नहीं किया, अब नवंबर 22 बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर 1 था 20 मार्क्स का, जब आपने बजटरी कंट्रोल चैप्टर ही नहीं किया है तो इससे रिलेटेड अगर थ्योरी क्वेश्चन आया केस स्टडी में तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? बैक टू बैक एग्जैक्ट अटेम्प्ट मुझे याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से नवंबर 20 और जनवरी 21 बैक टू बैक अटेम्प्ट्स में चैप्टर नंबर 2 का थ्योरी क्वेश्चन पूछा 20-20 मार्क्स के लिए। लैपटॉप लेके जाता चैप्टर नंबर 2 का मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट का नवंबर 20 का जो अटेम्प्ट था, नवंबर 20 का अटेम्प्ट था, 20 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने केस स्टडी पूछा, पब्लिक ने बोला नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो सर ये चैप्टर में से केस स्टडी नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 2 में से वापस से केस स्टडी पूछ लिया। सो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं,
अपन बेटर है अपना प्रिपरेशन अच्छा रखे, ना कि इंस्टीट्यूट को प्रिडिक्ट करे कि ये आ सकता है ये बार, ये आ सकता है, कुछ भी आने दो, वी आर रेडी फॉर इट. सो दैट्स वॉट द होल एनालिसिस इज. ये एनालिसिस इसीलिए आपको बता पा रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग से एंड तक मैं एक एक चीज को इंस्टीट्यूट की ऑब्जर्व कर रहा हूं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. देखो मे 23 वाले सेम कॉन्सेप्ट वापिस 23 में कितने आने के चांसेस है, आई डोंट नो. अपने को ऐसा थोड़ी पढ़ना है, अरे ये मे 23 में आया तो मैं वापस से इसको नहीं करूंगा. दैट इज अ वेरी स्टूपिड अप्रोच. कोई भी चीज कहां से भी कैसे भी आ सकता है. यू हैव टू बी मतलब मैं ऐसा बोलू कि अरे ये वाला कॉन्सेप्ट है ना मे 23 में आया था तो मैं कराऊंगा ही नहीं इसको, ऐसा नहीं है ना. वो कॉन्सेप्ट का इंटरलिंकिंग दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ भी तो होता है, हर चीज यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होता है. वी विल डू एवरीथिंग. मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि ये मे 23 में आया है, ये नवंबर 23 में आया, ये मे 24 में आया, चल नवंबर 24 में नहीं आएगा. दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग वे टू स्टडी. सो जय कुमार, सीए फाइनल लेवल पे आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. चलो ठीक है. हाँ जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं इंड एस 108 आ गया, अनएक्सपेक्टेड था. सो इंस्टीट्यूट प्लेस विद दैट. सो बेसिकली कहने की क्या क्वेश्चन, मैं कहने के क्या आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, थियोरी प्रैक्टिकल दोनों आप लोगों का अगर स्ट्रांग होगा उसमें से ही कुछ ना कुछ मिक्स करके, कभी कभार दो तीन चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा. मे 2019 में इंस्टीट्यूट ने पूछा था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन इवैल्यूएशन एंड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, दोनों को मिक्स करके इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछ लिया. तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर अपन लोग सब चीजों से श्योर है तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. इट्स ओके अमन, ये बार अपन अच्छा स्कोर करेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6. ये आएगा 20 मार्क्स के लिए. यहां पे आपको अटेम्प्ट करना है एनी फोर क्वेश्चंस. चलो ठीक है, चलो. सो एनी फोर क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करना है. अब इसमें कुछ भी आ सकता है, आप लोग को 10+10 का एक क्वेश्चन आ सकता है, 5x4 का क्वेश्चन आ सकता है. केस स्टडी में भी वो लोग ऐसा करते हैं, 6, 6, 6, 2 ऐसा कुछ पूछ लिया, 5, 4, 6+5 ऐसा कुछ पूछ लिया. सो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, कभी कभार 10+10, कभी कभार सीधा 20 मार्क्स का पूछ लेंगे. सो इन दोस टर्म्स आईसीए प्रिडिक्टेबल नहीं है, एंड देन ये आपको पूरा का पूरा इस हिसाब से वर्कआउट करना है. अभी क्लियर एवरीवन? सो दिस इज हाउ द होल आईसीएआई पेपर पैटर्न इज. इस आईसीएआई के पेपर पैटर्न को आपको फॉलो करना है एंड यू विल बी थ्रू. डन गाइस? चल सो पेपर पैटर्न समझ गया है, चैप्टर समझ गया है, कौन सा चैप्टर थ्योरी है प्रैक्टिकल है वो मैंने आप लोग को एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया. चैप्टर को जब इनडेप्थ करेंगे तो आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगा. अब ये तो हो गया आईसीएआई का अप्रोच. अब तक मैंने आपको क्या बताया, आईसीआई ने इसको थ्योरी के रखा है, आईसीआई ने इसको प्रैक्टिकल रखा है, आईसीआई ने चैप्टर को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल रखा है. फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, आईसीएआई का ये पेपर पैटर्न पूछने का तरीका है, ये आईसीएआई का पास्ट पेपर का एनालिसिस है. सो ये सारी चीजें यहां पे वर्कड अप है. अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये आप लोगों का पूरा सिस्टम है. अरे बोलो बोलो, चल चल, यस ठीक है. फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये आईसीएआई का पेपर पैटर्न है, कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 2, 6 कितने मार्क्स का आ रहा है. तो ये पूरा का पूरा आईसीएआई का पैटर्न है. अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपना इस चीज को मैनेज करने के लिए क्या अप्रोच रहने वाला है. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट योर आर अप्रोच टू SCMPE, our approach to SCMPE. Are we clear, everybody? Yes or no? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा our approach to SCMPE. भाई अब इंस्टीट्यूट ने तो अपना रंग बता दिया, अब बारी है अपने, बारी है अब अपने को लाना है. चलो लेट द गेम बिगिन नाउ. व्हाट इज नाउ गोइंग टू बी आर अप्रोच टुवर्ड्स एससीएमपी. चलो आ जाओ, चलो लेट्स बिगिन.
सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को जो बुक्स मिलने वाली है वो मिलने वाली है ये वाली बुक्स आप लोगों को मिलने वाली है। नाउ व्हाट इज इट गोइंग टू स्टार्ट विद, अभी प्लीज ध्यान से एक एक चीज को सुनना, बिकॉज ये अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, आर अप्रोच, ये अप्रोच पूरा का पूरा गेम बदलने वाला है इस सब्जेक्ट के लिए। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी आर अप्रोच टू SCMPE। सबसे पहला यहां पे सब्जेक्ट टॉपिक का नाम, उसके बाद रहेगा आपको एक मोटिवेशन कोट, NR नारायण मूर्ति, द बोलते ना किंग ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया, रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड फ्लो आउट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस, उतना अच्छा आपका काम होगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। परफॉर्म करो SCMPE में, ICAI आपको रिजल्ट लाके देगा। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नेम एंड एक मोटिवेशनल कोट, ऑब्वियसली सर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने डाला है। दूसरा चीज, हर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एज अ स्टूडेंट मेरी आदत होती है, मैं देखता हूं कि कौन से चैप्टर कितने मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने पूछा है। क्या मैंने अभी यहां पे ये 18 से डाला है? द आंसर इज यस। कभी 10 मार्क, कभी 15 मार्क, कभी 38 मार्क्स, कभी 40 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 20 मार्क्स, ये आप लोग के पास एक पैटर्न है। सो मैंने आप लोग के पास क्या डाल दिया है? पास्ट पेपर का ट्रेंड डाल दिया है। क्या डाल दिया है? पास्ट पेपर का ट्रेंड डाल दिया है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, एंड दैट इज दिस, द स्टडी मेंटोर। ये जो आपका स्टडी मेंटोर है ना, ये आपको काम आएगा आपके प्लानिंग के लिए। तो अब आप पूछोगे कि सर ये स्टडी मेंटोर क्या है? स्टडी मेंटोर इज लाइक योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। अब कोई भी चैप्टर में ना बतेरे एज इन बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब आप लोग भी जब खुद का नोट्स बनाओगे ना तो आप लोग ये लिखोगे, बट कहीं ना कहीं ये आप एक दो चैप्टर के लिए लिखोगे और फिर बाद में आप लिखना छोड़ देते हो, वो चीज ना हो इसके लिए मैंने यहां पे टेक्स्ट बुक में, मेरी ऑथर बुक में आप लोग को ये मैंने यहां पे लिखवा दिया है। सो आप लोगों को फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये हर एक चैप्टर में मैंने डाल दिया है स्टडी मेंटर, जो आपको बताएगा अच्छा ये चैप्टर में ये सारी चीज है। जब सर आपको ये सारी चीजें करवाते जाएंगे तो आप लोग को मारना है टिक, आप लोग को मारना है ऑडिटर टिक, आप लोग को मारना है ऑडिटर टिक। जैसे जैसे ये पॉइंट होते जाएगा आप लोग ऑडिटर टिक मारते जाओगे, तो फर्स्ट टाइम कैन आई से सर के साथ हो गया, फिर आप लोग को वापस से उसको करना है, तो जब आप करोगे तो आप खुद का यहाँ पे करते जाओगे। अगर आप लोग को एटलीस्ट पास होना है, ये 3 टिक तो होना ही चाहिए। रैंक लाना है, ये 4 टिक तो होना ही चाहिए। फर्स्ट टू 10 में रैंक लाना है, ये 5 बार तो होना ही चाहिए। रैंक 1 to 10 के लिए 5 टिक जब आ जाएंगे तो आ जाएगा आपको मानसी अग्रवाल AIR 3 November 22 माय स्टूडेंट, लिसन टू द इंटरव्यू एंड यू विल रियलाइज, उसने बोला है सर 5 बार मैंने किया था आपके रिविजन सेशन एंड ऑप्टिमाइज एंड आज उसके पास रिजल्ट है। क्या आप उस चीज के लिए तैयार हो? तो ये बहुत मेहनत से बनाया, आपको अगेन कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये एक एक पेज नंबर के साथ बनाया है। इसका और एक फायदा मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं करवाते जाऊंगा ना तो मैं आपको बोलूंगा भाई EVA का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और EVA का ना एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको हाईलाइट कर लोगे। जिससे क्या होगा, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग का जो हाईलाइटेड पार्ट्स है ना, आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट पार्ट्स तो सर ने बोला है एग्जाम में आने का चांसेस है। जब आप रिवाइज कर रहे हो एग्जाम के दिन पे या इन जनरल, तो आप देख सकते हो अच्छा ये हाईलाइटेड पार्ट है, इसमें कौन सा पेज नंबर 76, चलो फटाफट पेज नंबर 76 पे जाओ, ये कर लिया, हो गया मेरा काम। ये यहां पे EVA इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 25 पे जाओ, हो गया मेरा काम। देख लो भाई EVA इंपॉर्टेंट है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसका तो मेरा 5 टिक होना ही चाहिए, उसका तो मेरा 5 टिक होना ही चाहिए। Are we understanding guys, yes or no? बोलो tell. So ये भी आप लोग को मैं time to time mark करवाते जाऊंगा, at the same time आप लोग को जो लग रहा है important है, जो मैं बोलूंगा important है, या अपने को overall discussion के basis पे लग रहा है, उसको अपन लोग यहाँ पे mark करते जाएंगे, so that we know
वॉट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये तो मिस आउट करना ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं टाइम कम होता है तो कुछ चीजें आप लोग की मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं तीन टिक होगी, बट जो चीज में से फॉर एग्जाम्पल ये आपका तीन टिक होगा बट सर ने ये बोला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये बेसिक सम है तो तीन भी टिक हुआ तो चलेगा, बट सर ने बोला है ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस पे तो पांच टिक होना ही चाहिए और इसको तो हाईलाइट है बॉस, इसको अपने को बराबर से करना है, सो दैट आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये चैप्टर जब ओपन करोगे ठीक है ये टिक के बेसिस पे आपको समझ जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल इस चैप्टर के लिए और आपको इसको कितनी बार वापस करना है या नहीं करना है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर वी क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर एवरी चैप्टर, भले ही वो थियोरी हो भले ही वो प्रैक्टिकल हो, हर एक क्वेश्चन। अभी आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये केस स्टडी है तो ये केस स्टडी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आईआईएम वाला केस स्टडी, ये देखो इधर दिख रहा है आईएम वाला केस स्टडी, इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, चल इसको मार्क कर ले एग्जाम के दिन पे इसको करके जाऊंगा, पेज गया मैं इधर स्टडी मेंटर पे पेज नंबर 60 खोला फटाफट कर लिया, चलो डन हो गया टिक मार दिया आगे बढ़ो। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस डन है, प्लीज इसको फॉलो करोगे क्या? मैं तो इनफैक्ट बोल रहा हूं ये फॉलो होता है ना, मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते रहो, डाल दो सर ये देखो ये वाला टेक्निक काम कर रहा है सर, ये वाला टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं, और आप भी बोल रहे हो ना सर मुझे लाना है रैंक सर कैसे भी करके 75-85 क्रॉस करवा दो इस सब्जेक्ट में, ये लो करवा दो। अगर आपने ये पांच टिक कर दिया मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं डेफिनेटली आप लोग को आने ही वाला है रैंक एट द सेम टाइम मैक्सिमम मार्क्स इस सब्जेक्ट में। जी हाँ ये अभी तो बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूं इस बुक में जो मैंने डाली है, डोंट वरी तो और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देख के लगेगा कि यस दिस इज द अप्रोच दैट वी वांट, समझ में आ गया ये वाला चीज ठीक है। अब आगे देखते तो ये हो गया मेरा स्टडी मेंटर क्यों काम आएगा मेरे प्लानिंग के लिए। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है मेरा प्रीव्यू। सो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रीव्यू, ठीक है। अब ये प्रीव्यू क्या है ओवरऑल चैप्टर का, मेरे को यहां पे एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा कि ये चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, पांच कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर में, और इन जनरल जब ये चैप्टर हो जाएगा तब आपको समझेगा पांच चैप्टर है के बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसमें क्या फर्दर डिविजन है, ये तीन चीज है। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में तीन मेथड्स है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंट। उसके अंदर क्या तीन चीज है, ये चार चीज। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इस प्रीव्यू के ऊपर आओगे ना रिवीजन करते वक्त, तब आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। अच्छा ये चैप्टर में ये सारी चीजें, मतलब अदरवाइज क्या होता है पता है, इतना सारा अपने पास पोर्शन होता है ना, आप एससीएमपी करोगे, डीटी करोगे, आईडीटी करोगे, इलेक्टिव करोगे, जिसका ग्रुप वन है वो एसएफएम भी करेगा, एफआरबी करेगा, लॉ भी करेगा, ऑडिट भी करेगा, तो वो कहीं ना कहीं भले ही मैंने कितना भी अच्छा कराया हो भूल जाएगा चीज को, इट्स लॉजिकल एंड इट्स ह्यूमन नेचर। बट जब आप वापस से ये बुक को ओपन करोगे तब आपको मेरी आवाज याद आएगी, तब आपको मेरा ये लेक्चर याद आएगा, तब आपको ये खाली प्रीव्यू को देखना है और आपको सारी चीजें एक बार एक बोलते ना दिमाग में चीजें आती जाएगी, अच्छा फाइनेंशियल में तीन मेजर है आरओआई, आरआई, ईवीए, नॉन फाइनेंशियल में चार मेजर है बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, सोशल एनवायरमेंट में एक मेजर है ट्रिपल बॉटम लाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आया अपने को? अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस। तो मैं बोल रहा हूं बुक ड्राफ्टिंग में या कंटेंट में मैंने 1% भी कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस आप लोगों को उसको फॉलो करना है, डन है अपना का। मैंने आप लोगों को दिखते जाएगा ये चीज, समझ गए? सो ये आप लोग का क्या है प्रीव्यू है, सो नेक्स्ट चीज प्रीव्यू, ये प्रीव्यू से क्या मिल जाएगा मुझे, बर्ड्स आई व्यू ऑफ चैप्टर, ताकि याद आ जाए सब। हाँ अदरवाइज अपन गजनी बन जाते हैं कुछ दिनों बाद, राइट? तो गजनी ना बने, एंड वी विल बी एबल टू रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन हियर। डन गाइस, गच्चा, चलो मूविंग ऑन। नाउ ये है आपका आईसीएआई मॉड्यूल, आपको आईसीएआई मॉड्यूल का लैंग्वेज चाहिए, बट आईसीआई का मॉड्यूल का जो लैंग्वेज है ना वो इतना बोरिंग और इतना थ्योरेटिकली लिखा है कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ओपन करना आज जाके मन ही नहीं करेगा। उसको मैंने यहां पे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया है,
सो आइडियली बोलूं ना मैं आपको, ये है पूरा ईसीआई का ही मॉड्यूल का लैंग्वेज, बट एटलीस्ट उसको एक स्टेप वाइज फॉर्मेट में, एक टेबुलर फॉर्मेट में डाला है, सो दैट जब आप रिवाइज करोगे तो मन भी करेगा एंड चीजें आप लोगों को रिकॉल करने में अच्छी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इंस्टीट्यूट का भी मॉड्यूल खोलोगे तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चार ही चीज है, एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स। बट क्या इंस्टीट्यूट ने ऐसे बताया है क्या? नहीं, इंस्टीट्यूट ने उसको इतना थियोरेटिकली बताया कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और उसमें चार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी लिखा है, उसको कैसे डिवाइड किया है वो भी लिखा है। अब जब आप लोग ये पढ़ोगे यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट। क्या अब आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की जरूरत है? प्रॉबेबली द आंसर इज नो, बट क्रॉस चेकिंग के लिए आपको यूज कर सकते हो कि हाँ भाई सब मेरा कवर हुआ है कि नहीं। हाँ, हो गया। यहाँ पे अभी ये जो मैंने चीज यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताई है ये सब इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज है, डोंट वरी। तो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज बट इन अ बेटर प्रेजेंटेशन, जिससे आपको थियोरी पढ़ने में भी मजा आए, याद भी रहे। अब जैसे ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट तो सीधा डाल देगी क्या है स्टेप, सीधा वो ऐसे फॉर्म में लिखेगी ना आपको समझ में भी नहीं आएगा स्टेप्स क्या है। बट यहाँ पे अपन ने इसको ऐसे सिस्टमेटिकली लिखा है, यहाँ पे अपन ने इसको ऐसे डायग्रामेटिकली बनाया है, चीजें आपको रिकॉल होती जाएगी फॉर श्योर। ए समझो एवरीबॉडी, गॉट इट गाइस? अरे बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट, डन। सो दैट्स हाउ दिस होल सिस्टम विल बी, एंड ये कंटिन्यू होगा हर एक चैप्टर के लिए, हर एक चीज के लिए। ये देखो, अब कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट ने भी लिखा है, बट उसको ऐसे प्रेजेंट किया है ताकि आपको वो कनेक्शन पता चलते रहे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कनेक्शन बताऊंगा, भाई कॉस्ट सेंटर, उसके बाद आता है रेवेन्यू सेंटर, उससे कनेक्ट होता है मेरा प्रॉफिट सेंटर, उससे कनेक्ट होता है मेरा इन्वेस्टमेंट सेंटर। वैसा सर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी ना, अभी का भी टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, फिर बाद में ये इंस्टीट्यूट के एग्जांपल्स है, इंस्टीट्यूट का ये पूरा तरीका है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। अब आती है और एक इंपॉर्टेंट चीज, तो इसी के साथ मैंने आपको क्या बोला कि मैं यहाँ पे अब मेरा ऑप्टिमाइज्ड का जो कंटेंट है ना उसमें क्या क्या है, तो ऑप्टिमाइज्ड के कंटेंट में 100% ICAI मॉड्यूल है, इनफैक्ट ICAI मॉड्यूल से बेटर वे में प्रेजेंट करके उसी के कंटेंट को मैंने डाला है। सेकेंड, ये हो गया सेकेंड चीज, सेकेंड चीज ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो गोल कॉन्ग्रुएंस, अब गोल कॉन्ग्रुएंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका कॉन्सेप्ट का मेन ये ही है, उसका ये कॉन्सेप्ट शाहरुख खान, एक ये कुछ कुछ होता है मूवी है उसको देखना, एक तरफ रानी मुखर्जी दूसरी तरफ कजोल। अब ये सब चीजें आपको याद रहेगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, बट इसको कैसे मैंने कॉल कॉन्ग्रुएंस के साथ कनेक्ट किया है ना, वो जब मैं आपको बताऊंगा ना कॉन्सेप्चुअली कभी भूलोगे नहीं। दिस इज हाउ यू डू थियोरी इन अ फन वे आल्सो। मेरे को किसी ने बोला था स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में सर फन वे में पढ़ाना, ये देखो बाय डिफॉल्ट फन वे, समझ रहे हो। कोई मुझे बोला था सर बोरिंग तो नहीं जाएगा ना ये सब्जेक्ट, अरे कहां से जाएगा, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें जो है, बट इसको कॉन्सेप्ट के साथ मैं लिंक करूंगा ना कभी भूलोगे ही नहीं। कुछ कुछ होता है जैसे याद आएगा, दुनिया को कुछ कुछ होता है ऐसे शाहरुख, रानी और काजोल याद आएगा, आपको गोल कॉन्ग्रुएंस याद आएगा, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हो। प्लस मैंने साथ में रखे एक स्कैन कोड, अब से फॉर एग्जांपल गोल कॉन्ग्रुएंस मैंने तो आज पढ़ा दिया, बट आप 3 महीने बाद बुक को वापस खोलोगे, आपको रिवाइज करना है, गोल कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, खाली यहाँ पे स्कैन करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे उसके ऊपर क्लिक करो, सीधा ये कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फटाफट याद आ जाएगा, चलो आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं वैसा, That's how the whole system works. अब मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं, आओ, ये हो गया। अब ये देखो, जहां पे भी मैंने थ्योरी डाला है, थ्योरी के साथ साथ मैंने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले हैं, तो पहले थ्योरी करवा दूंगा फिर उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो करवा दूंगा। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर वो आरटीपी का क्वेश्चन है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो आप समझ रहे हो 100% ICAI मॉड्यूल के साथ 100% आरटीपी के सारे क्वेश्चन, कौन से आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन है, जी हाँ ये भी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो। यही नहीं, अगर वो ICAI के पास्ट पेपर में आया है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा।
कच्चा एवरीबॉडी विद आईसीएआई सोल्यूशन। ये ऑल्टरनेटिव आईसीआई का सोल्यूशन है, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में ऐसा ऑल्टरनेटिव सजेशन दिया है, सोल्यूशन दिया है। आईसीआई मे 19 गुजरात पेपर, गुजरात में मे 19 में अलग से पेपर हुआ था, वो भी यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो कहना इसे आरटीपी के साथ साथ क्या कवर हो गया आपका, पास्ट पेपर्स, कौन से अटेम्प्ट में कौन सा है, वो भी यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। बोलो क्लियर है, डन है, डन। फिर आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इधर मैंने स्पेसिफिकली बताया है आईसीएआई हैज पुट इंपॉर्टेंट फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सम ऑन ईवीए आस्क्ड मोर देन 3 times बाय आईसीएआई, ताकि आपको क्लैरिटी लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है स्टडी मेंटर में जाके आप उसको हाईलाइट कर दोगे अपने हाईलाइटर से, समझ रहे हो वैसा। इसके आगे स्कैन कोड है, चल ईवीए का कॉन्सेप्ट फटाफट करना है, स्कैन कोड के पे गए फटाफट क्लिक किया रिवाइज कर लिया, चलो आगे बढ़ेंगे। Got it guys, got it. So this is how the whole book has been made. Yes, अब देखो उधर आप लोग ने देखा था आईसीआई पास्ट पेपर आरटीपी मैंने डाला था, यहां पे मॉड्यूल क्वेश्चन, यहां पे मॉड्यूल क्वेश्चन, यहां पे इस ईवीए के कॉन्सेप्ट के लिए मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्वेश्चन। यही मॉड्यूल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पास्ट पेपर में एग्जाम में भी पूछा नवंबर 20 में 20 मार्क के लिए, वो भी लिख दिया, वो भी आप लोग के सामने लिख दिया। समझ यू एवरीबॉडी, समझ रहे हो। तो ये एक फील आना जरूरी है आप लोगों को कि आप जो पढ़ रहे हो वो इतना अच्छा कंटेंट है कि बस बियॉन्ड दैट आपको देखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आप भी तो यही करना चाहते हो। 100% आईसीए मॉड्यूल बेटर वे में दे दिया है, आरटीपी सेम टू सेम ले लिया है, पास्ट पेपर सेम टू सेम ले लिया है, और मैंने ऐसे लिया है कि थ्योरी के साथ उस प्रैक्टिकल को भी कनेक्ट कर दिया है, तो आप लोग को चीजें ईजी पड़ेगी। आर वी क्लियर एवरीवन? आईसीए मॉड्यूल क्वेश्चन, यस सर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, डन गाइस। चलो क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका एक समरी भी बना के यहाँ पे आपको दे दिया, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर, डन, फायर। ये देखो ये इंस्टीट्यूट का और अपना प्रेजेंटेशन, इतना इजी वे में आपको ये समझ जाएगा, टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं। फिर उससे रिलेटेड केस स्टडी, केस स्टडी जो भी है उसका समरी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो केस स्टडी है ना, ये केस स्टडी जब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलोगे ना, तो मैंने भी यही केस स्टडी है। ये केस स्टडी 1 page, 2 page, 3 page, 4 page का केस स्टडी है। अब एज अ स्टूडेंट क्या ये 4 page का केस स्टडी अपने को याद रहेगा क्या? नहीं। बट कहना इसे ये 4 page के केस स्टडी को मैंने अगर 1 page में कन्वर्ट कर दिया, इश्यूज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन, तो क्या याद रहेगा क्या? हर एक केस स्टडी को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया एक एक पेज में या दो दो पेज में, दैट्स इट। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, डन। यस पवन कुमार, डन, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। चल सो आईफोन भी जिसके पास है वो लोग को भी ये मिल जाएगा, सो डोंट वरी। सो जितने भी आपको केस स्टडीज मिलेंगे उस केस स्टडीज का एक समरी भी आपको साथ में मिल जाएगा। ये रहा, ये देखो, ये देखो, ये केस स्टडी कितने पेज का, ये केस स्टडी दिख रहा है आपको पता है? से फॉर एग्जाम्पल ये 1 page है, 2 page है, 3 page है, 4 page का केस स्टडी है, उसका समरी 1 page में आ गया। 100% पढ़ाऊंगा शुभम अरोरा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। बट बेसिकली कंटेंट पे ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ गया क्या? यस सर। 6th part में मैं लिखना चाहूंगा केस स्टडी, केस स्टडी कंप्लीट कवरेज प्लस केस स्टडी कंप्लीट कवरेज, कोई नहीं देगा आपको इसका, कोई नहीं देगा आपको इसका समरी भी, प्लस समरी ऑफ केस स्टडी, समरी ऑफ केस स्टडी 2 page में, 1 page में पूरा का पूरा समरी, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। समझ रहे हो आप? यस एवरीबॉडी, यस यस, बहुत मेहनत लगा बट यही तो चाहिए आप लोग के लिए, मैं करता रहूं। डन है गाइस, डन है गाइस, डन है गाइस, डन है। बस यही तो आप लोग को बताना था कि दिस इज हाउ सिस्टमैटिकली अपन लोग सब चीज करते जाएंगे, एंड बस फिर और क्या चाहिए अपने को लाइफ में। सो ये सारी चीजें हैं। अब एंड में जाके जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये चैप्टर समरी मिल जाएगा आपको, इन डेप्थ चैप्टर समरी मिल जाएगा। तो जो भी थ्योरी अपन लोग ने पढ़ा है ना, आप लोग बोले थे ना सर थ्योरी लर्न करवा दो, ये लो
ये लो थियोरी लर्न करवा देता हूँ यहाँ से। ये पूरा का पूरा आप लोगों को हेडिंग्स, जो मेन हेडिंग्स होता है ना, वो थियोरी का हेडिंग्स आप लोगों को यहाँ पे मिल गया। सो थियोरी का समरी, जो भी अपन लोग ने थियोरी किया है उस थियोरी का समरी यहाँ पे आ गया। अथीरा, यस, मेजोरिटी ऑफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ थियोरी एंड एज अ पार्ट ऑफ केस स्टडी, सो यू डोंट हैव टू बॉदर एनीथिंग फॉर एनीथिंग एल्स एट ऑल। थैंक यू सो मच रिया एंड एवरीबॉडी। चलो डन गाइस, सो दिस इज हाउ वी विल अप्रोच दिस सब्जेक्ट। मैंने बोला ना, इंस्टीट्यूट ने अपना अप्रोच दिखा दिया है, अब अपने को आर अप्रोच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वॉट वी विल बी डूइंग फॉर एवरी टॉपिक, करेक्ट। SFM भी मैंने ऐसे ही पूरे बुक को बनाया है, मतलब मेरा ये पैटर्न ही है। स्टडी मेंटोर, प्रीव्यू, ऑप्टिमाइज का कंटेंट जिसमें 100% ICI कवरेज, RTP पास पेपर्स हो, केस स्टडी, उसका समरी, थियोरी का समरी, ऑल ऑफ दैट इज हाउ दिस इट वर्क। सो मेरा यस, SFM का भी बुक ऐसा ही है, मेरा मेरा पैटर्न ही ऐसा ही है पढ़ाने का। सो डोंट वरी, माय प्लेजर अतिरा। गाइस अब एक पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि यस, कंटेंट तो अपना एकदम सॉर्टेड है बॉस। और एक वर्ड भी मैंने इसमें नहीं छूटा है, मतलब कहीं पे भी थियोरी में प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी डाइजेस्ट, पास्ट पेपर्स, सब इसके अंदर मैंने ले लिया और एज पर ICAI लिया, डोंट वरी। यस वैभव जी, सब इंक्लूडेड है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब मैं सब चीज आपको उसमें करवा दूंगा फॉर श्योर। ठीक है, डन, चल डन हो गया, क्लियर है अपने को। डन डन डन, बस अब सर, अब मैं ईगर हूं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, क्या बोलते हो, मतलब मजा आ जाएगा। चल ग्रेट, शिवांगी जी थैंक यू सो मच, हार्दिक ग्रेट। चल सो ये वाली सारी चीजें हैं यहां पे। अब जब आप लोग का पोर्शन कंप्लीट होते जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पोर्शन वाइज टेस्ट्स कंडक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं पोर्शन वाइज टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा। तो मैंने सोचा है कि मैं तीन फेज में इस टेस्ट को डिवाइड करूंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। यहां पे मैं फेज 1 में डाल दूंगा 4 चैप्टर, फेज 2 में 4 चैप्टर और फेज 3 में 3 चैप्टर, प्लस एंड में मैं फुल चैप्टर का टेस्ट, आई मीन फुल सब्जेक्ट का टेस्ट यहां पे अपन लोग कर लेंगे। ये जो टेस्ट है मैं मोस्ट प्रोबेबली इंडिया लेवल पे कंडक्ट करूंगा। सो आप लोग के साथ साथ इंडिया के और भी स्टूडेंट्स हैं वो भी कम्पीट करेंगे इस पे, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, सो ये पोर्शन देखो, आई नो मेरे आप लोग बहुत ईगर हो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, मैं भी ईगर हूं, बट ये कुछ चीजें जो मुझे लगता है यार आप लोग को पता होनी चाहिए, बिकॉज ये फर्स्ट लेक्चर है, अभी बात हो गई तो हो गई, अदरवाइज ये रह जाएगा। और आप लोग को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बॉस आपका टारगेट क्या है, दिस इज द गोल, दिस इज द टारगेट दैट नाउ यू हैव टू रीच, उतना मेहनत अपने को करना है साथ में। ठीक है गौरव, वही वाला चैनल है जो अभी है फिलहाल टेलीग्राम का, तो नथिंग न्यू, इनकेस कुछ अलग से बनता है तो आई विल कीप यू ऑल इन्फॉर्म। ठीक है, सो ये पोर्शन वाइज टेस्ट इज वॉट आई विल बी टेकिंग इन दिस मैनर। ठीक है, मतलब मैं एकदम भी चैप्टर वाइज नहीं लूंगा, वो आपको चाहिए तो आप अलग से ले लो, बट यहां पे मैं फेज 1, फेज 2, फेज 3 प्लस फुल सब्जेक्ट टेस्ट लूंगा। आई थिंक इतना कर लिया, सो आई डोंट थिंक सो वी विल हैव टू डू एनीथिंग एल्स। सर टेस्ट फ्री है, इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट है, जो जब होगा टेस्ट वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब एक मार्क्स के बेसिस पे रखेंगे कि अगर इतने मार्क्स से नीचे आया तो पैसा भरना पड़ेगा, इतने मार्क्स के ऊपर आया तो चलो टेस्ट फ्री, क्या बोलते हो। हाँ, 2 सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट है तो फिर रैंक नहीं आ सकती, नॉट अलाउड। चल डन गाइस, सो ऐसा पूरा मेरा सिस्टम होने वाला है। चल अब मैं भी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। ओके गौरव, गुड टू गो नाउ, यस सेम यर। नाउ दिस इज हाउ द होल सिस्टम पूरा मैंने सेट कर दिया है।
चलो डन डन आर डन डन। सो ये मैंने आप लोगों को पूरा ये सब्जेक्ट का आइडिया दे दिया है। सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है एवरीबॉडी? अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं क्या करने वाले अपन लोग, क्या आप सुनना चाहोगे क्या? हर एक थ्योरी का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूंगा, तो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। हर एक फॉर्मूला का मैं आप लोगों को डेरिवेशन बता दूंगा, तो प्रैक्टिकली आप लोग कनेक्टेड रहोगे, ठीक है? सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम विल वर्क। हर एक थ्योरी का एग्जाम्पल, हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन, हर एक थ्योरी का एग्जाम्पल, हर एक फॉर्मूला का डेरिवेशन। समझ में आ गया? डन है, डन है। ये अपन बाय डिफॉल्ट करने ही वाला है, ठीक है? डेरिवेशन करोगे तो फिर आई डोंट थिंक सो कभी भूलोगे, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एग्जाम के दिन पे, एग्जाम के टाइम पे मेरी तरफ से आप लोग को क्या सपोर्ट मिलेगा? सो देयर विल बी टू थिंग्स। एक आप लोग को मिलेगा रिवीजन सीरीज, एक आप लोग को मिलेगा रिवीजन सीरीज, एंड एग्जाम टाइम पे अपन कंडक्ट करेंगे मैराथन, सो दैट आप लोग को सब चीजें क्लियर रही। हाँ, मैं ई बुक टेलीग्राम पे भेजूंगा, डोंट वरी, ठीक है गाइस? डन है। सो अब तक अपन लोग ने क्या क्या समझा? अब तक अपन लोग ने समझा चैप्टर का नेम एंड इट्स बाइफरकेशन। क्या बाइफरकेशन किया अपन लोग ने? या तो चैप्टर हो सकता है थियोरी, या तो चैप्टर हो सकता है प्रैक्टिकल, या चैप्टर हो सकता है थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। अब हो सकता है कि थियोरी वाले चैप्टर में 10% प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में 10-15% थियोरी भी होगा, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल वाले में 60-40-50-50 का रेशियो। यस, डन। फिर बाद में नेक्स्ट, फिर अपन लोग ने चैप्टर का नेम एंड इट्स बाइफरकेशन समझा, फिर अपन लोग ने सब्जेक्ट का एक इंट्रो ले लिया, अपने को आइडिया आ गया, और उसका पेपर पैटर्न समझ लिया, या जिसको अपन बोलेंगे ट्रेंड समझ लिया पेपर का, ठीक है? डन। सो सब्जेक्ट इंट्रो, पेपर पैटर्न, पेपर ट्रेंड, ये सारी चीजें अपन लोग ने समझ ली है। डन, ग्रेट। फिर आप लोगों को मैंने पूरा बता दिया आर अप्रोच। इस आर अप्रोच में मैंने तुम लोगों को पूरा बता दिया कि क्या क्या अपन लोग करने वाले हैं। स्टडी मेंटर, पास्ट पेपर्स, प्रीव्यूज होगा, ऑप्टिमाइज्ड का कंटेंट है, ये तो पूरा अपने को करना ही है बाय डिफॉल्ट। केस स्टडीज अपन करेंगे, थ्योरी का समरी करेंगे, थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के लिए एग्जाम्पल, फॉर्मूला, डेरिवेशन, ऑल ऑफ दैट। एग्जाम टाइम पे रिवीजन सीरीज, मैराथन, डन। सो आई थिंक वी आर ऑल द स्टेज इज सेट। अब अपन लोग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह रेडी है, क्या बोलता है पब्लिक? एंड इसी नोट के ऊपर मैं स्टार्ट। अच्छा, आप लोग के कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ लो, इफ नॉट देन इन दैट केस आई विल बी स्टार्टिंग विद आवर फाइनली फर्स्ट चैप्टर, और ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये एक चीज बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया लास्ट में, एक चीज बताना भूल गया, ये सब के साथ साथ, ये सब के साथ साथ, हाँ, बोर्ड नोट सारे अपलोड हो जाएंगे गूगल ड्राइव पे। ये सब के साथ साथ एक काम तो मैं आप लोग को भूल ही गया बताना, अपने को साथ साथ में बनाने हैं स्टूडेंट नोट्स। जी हाँ, सो लास्ट टाइम हम लोग ने SFM के बैच में बनाए थे, फरीन करके, देयर इज अ पर्सन इन दिस बैच ऑल्सो, शी मेड सम फैंटास्टिक स्टूडेंट नोट जो एग्जाम टाइम पे आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। ये बैच में भी मैं वो स्टूडेंट नोट्स बनाने वाला हूं, बट मैं चाहता हूं वो स्टूडेंट नोट्स मैं नहीं, आप बनाओगे। मैंने तो मेरी तरफ से आप लोग को ऑलरेडी काफी कुछ दे दिया है बुक में, क्यों ना अब मैं तुम लोग से कुछ एक्सपेक्ट करूं, क्या बोलता है पब्लिक? करोगे ना, है कि नहीं? सो अब यहां पे स्टूडेंट नोट्स आप लोग को बनाना है। सर, ये स्टूडेंट नोट्स में क्या होगा मैं आपको बता दूं,
जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो या केस स्टडी करते हो, क्या ना इससे उस क्वेश्चन में से या प्रैक्टिकल केस स्टडी में से आप कुछ सीखते हो, बराबर है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, हो सकता है उसके लिए कुछ आपको थियोरी आना चाहिए, हो सकता है उसके लिए आप लोगों को कुछ और चीजें आना चाहिए। हर क्वेश्चन में से जो भी चीज आप सीखने वाले हो विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट नोट्स। तो एक बुक ही अलग से आप बनाओगे जिसमें आप खाली स्टूडेंट नोट्स रखोगे। तो से फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोग को आज कोई क्वेश्चन वन करवाया ट्रांसफर प्राइसिंग का, उस क्वेश्चन वन से आप लोग तीन चीजें सीखने वाले हो, व्हेन देयर इज आइडियल कैपेसिटी, व्हेन नो आइडियल कैपेसिटी, व्हेन देयर इज स्पेयर प्लस आइडियल कैपेसिटी और फुल कैपेसिटी। तो ये तीनों में से क्या लर्निंग हुआ उसका मैं आपको लर्निंग बताऊंगा। That will become a part of your student notes, so that जब आप रिवाइज करो तो आप लोग डायरेक्टली ये स्टूडेंट नोट्स को ओपन करोगे जो आप लोग नहीं बनाया होगा। ये स्टूडेंट नोट्स को जब आप ओपन करके रिवाइज करोगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर गए, हर क्वेश्चन में कहना इसे कुछ ना कुछ तो आप नया कॉन्सेप्ट सीखने ही वाले हो। वो जो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप लोग ये स्टूडेंट नोट्स पे लिखते जाओगे एंड आगे कहानी को पढ़ाते जाओगे। समझी गुड एवरीबॉडी? बट ये स्टूडेंट नोट्स मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप मुझे बोलोगे तब मैं लिखूंगा। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर वन हो गया, क्वेश्चन नंबर वन से आपने एक्स वाई जेड सीखा, आप मुझे बोलोगे सर ये वाली चीज सीखिए स्टूडेंट नोट्स में लिख दो ना, मैं लिख दूंगा। मेरे पास स्टूडेंट नोट्स रेडी है बट वो मैं डायरेक्टली नहीं देना चाहता हूं, वो मुझे चाहिए आप लोग मुझे बोलो, आप लोग अपना दिमाग लगाओ और मुझे लिखवाते जाओ, मैं उसमें मजा आ जाएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट थियोरी विच वी फील इज इंपॉर्टेंट फॉर आर रिविजन पर्पजेस। बट मैं बताऊंगा कि आप बताओगे वो मेरे पास रेडी है बट वो मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो आप लोग की लाइफ कुछ ज्यादा ही आराम वाली हो जाएगी। नहीं, ये स्टूडेंट नोट्स आप लोग की तरफ से आएंगे, आप बोलोगे तो मैं वो लिखूंगा स्टूडेंट नोट्स में, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा। आप लोगों को लग रहा है जहां जहां भी सर ये इंपॉर्टेंट है ये चीज है बोलते जाना, मैं लिखते जाऊंगा, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। क्या बोलता है पब्लिक? डन, सॉर्टेड, प्रॉमिस करोगे आप लोग मेरे को इस चीज में हेल्प? डन है, डन 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 है, राइट? ओके, रजिस्टर एंड पेन्स आर रेडी, एक्सलेंट, डन। सो दिस इज हाउ The whole student notes will be worked up. ये आप लोग को बनाना है आप लोग की तरफ से, और एंड में जो भी स्टूडेंट नोट्स होगा वो आप लोग के लिए हेल्प होगा एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर योर बेस्ट बेनिफिट। ये सेम चीज मैं SFM में भी कर रहा हूं, यहां पे भी करेंगे अपन, सो आई थिंक काफी अपने को बेनिफिट हो जाएगा। डन गाइस, सॉर्टेड है लाइफ, ठीक है? सो बोलते ना अपन दोनों को मेहनत करते रहना है, हसल करते रहना है एंड इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करते रहना है। सर अगर हमसे मिस हो गया तो एफए कैफे मिस होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई ना कोई तो बता देगा ना लास्ट में। चलो तुम लोग के ऊपर दया खाके, अगर मुझे लगा कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। चलो ठीक है, ग्रेट। सो ये अपना पूरा पैटर्न सेट हो गया है। Now we are all set to start with our first chapter, transfer pricing. ये chapter क्या important है क्या? आओ मैं आपको बताता हूं। कोई भी ऐसा attempt नहीं है जब transfer pricing के ऊपर question नहीं पूछा है। तो क्या transfer pricing important है? बेहद important है। But ये transfer pricing अपन लोग करने वाले हैं start after the short break, ठीक है? So I think काफी अच्छा अपना फर्स्ट पार्ट हुआ है, काफी अपने को आइडिया आ गया है चीजों का, कोई चैप्टर ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, अप्रोच क्या रहने वाला है, स्टूडेंट नोट्स कैसे बनाना है, ऑल ऑफ दैट, ये सब चीज को अब इंप्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने बोला, कोई भी चीज मुझे समझानी है ना तो मैं पहले आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, उसको कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करूंगा और फिर उसे सम सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरी अपन लोग उसको कनेक्ट करेंगे। तो वो सब चीजें अपन लोग करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, जो भी खाना है पीना है, अभी तुम लोग तो आराम करके मस्त में खाते पीते ही हो, बट ठीक है, 5-10 मिनट का एक अपन ब्रेक लेंगे मैक्सिमम एंड देन वील बी बैक एंड वील स्टार्ट विद अ बैंग। यस यशवंत, इट विल बी देयर। चलो डन गाइस, सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक। एंड ब्रेक के बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर विच इज गोइंग टू बी ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने पूछा सर आपका नंबर दे दो, तो मैं बता देता हूं, यर इज माई नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, दिस इज माई नंबर। अच्छा, ट्रांसफर प्राइसिंग का पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इमीजिएटली शेयर कर रहा हूं,
वहां से आप लोग डाउनलोड कर लो इन केस आपको अभी तक बुक डिलीवर नहीं हुआ है तो। 10 मिनट का ब्रेक होगा मैक्सिमम, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कुछ भी हुआ आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट हो देन प्लीज आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो और अपना नाम और लोकेशन लिख दो। मैं तो बोल रहा हूँ लाइव वालों भी लिखो तो अच्छा ही है, बट गूगल ड्राइव वाले स्पेशली अपना नाम लिख दो, अपना लोकेशन लिख दो, ताकि अपन लोग कनेक्ट हो जाए। और उसमें लिख दो लेट्स एम फॉर हाइएस्ट मार्क्स इन SCMPE। सेम हम लोग ने SFM के लिए भी किया है, मैं SCMPE के लिए भी आप लोग से यही दरख्वास्त करूंगा, आप लोग भी ऐसा करो सो दैट वी आर कनेक्टेड, ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी डाउट पूछो तो मुझे पता रहे अरे ये तो बंदा XYZ है, अरे ये तो ये लोकेशन का है, चलो इसका डाउट आया है लेट्स सी क्या इसको मैनेज कैसे करना है। ओके गाइस, डाउट बिंदास बेझिझक पूछते रहना आप लोग लेक्चर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना डाउट पूछना है पूछो, कोई टेंशन का बात नहीं, ठीक है। डन है गाइस, ठीक है। चलो अब मैं इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मुझे पता भी नहीं CA, रुक जा मैं ही देख लेता हूं भाई। अब मेरी टीम को मैं बोलता हूं, चलो इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA फाइनल SCMPE एंड SFM बाय CACS संकल्प कांस्टिया। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं। ऑलराइट गाइस, नाम नाम याद नहीं रहता। चलो आई विल कैच अप विद यू ऑल एट 7:55 PM पे अपन लेक्चर को रीस्टार्ट करेंगे। सी यू ऑल After the break, मिलते हैं।